नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक मुंगेली पहुंचे, जहां वो महाराणा प्रताप जयंती समारोह में शामिल हुए। वहीं चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने बताया कि आगामी 12 जुलाई से छत्तीसगढ़ विधानसभा का मॉनसून सत्र शुरू होने वाला है, जिसे लेकर बीजेपी ने पूरी तैयारी भी कर ली है। प्रदेश की जनता की समस्या, चाहे वो बिजली की हो या पेयजल, खाद बीज की, इन्हें लेकर वो सरकार को मॉनसून सत्र में घेरेगी। आगामी मानसून सत्र को लेकर के 12 जुलाई से सत्र है और देख रहे हैं कि लोग खाद और बीज की समस्या के लिए भटक रहे हैं। यहाँ बिजली की समस्या भयंकर बिजली की समस्या है। पानी को लेकर के नगरी निकाय से लेकर के पंचायतों में रोज मारामारी हो रही है। मैं सिंचाई की बात नहीं कर रहा हूँ, पीने के पानी की। ये सरकार स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था भी उपलब्ध नहीं करा पा रही है। जो हैंडपंप हमारे सूख गए हैं उसके विकल्प में कोई नए हैंडपंप नहीं करा पा रही है। ये सरकार के ऐसे बहुत सारे विषय हैं, समसामयिक विषय, और ये सारे मुद्दों को लेकर के हम आने वाले समय में इसको जनता के हित में जो हो सकते हैं सारे मुद्दे उठाएंगे।